सो अब आते हैं आर्ट ऑफ टेकिंग फीडबैक पे, फाइव एक्शन स्टेप्स। फर्स्ट पॉइंट, लिसन ओपनली, क्योंकि हमें पता है कि फीडबैक सुनने से हमारा फायदा होता है और हमें यह भी पता है कि फीडबैक सुनने से हम घबराते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हमें फीडबैक दे रहा है, जो हमें हमारी गलतियां बता रहा है, जो हमें हमारे रॉन्ग्स बता रहा है, हमारे इंप्रूवमेंट एरियाज बता रहा है, उसे हम ढंग से सुने और उसको ये पता चले कि हम उसको सुनने में इंटरेस्टेड है। अगर उसको पता होगा कि हम उसे सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमें और अच्छे से फीडबैक दे पाएगा। अगर हम शो करेंगे हम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे चेहरे से उसको लग रहा है कि मैं सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाएगी, वो ढंग से फीडबैक नहीं दे पाएगा, राइट वर्ड्स यूज नहीं कर पाएगा। सो आपके चेहरे से, आपकी बातों से, आपके सुनने के तरीके से नजर आना चाहिए कि आप फीडबैक सुनने में इंटरेस्टेड हो, आप इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड हो, आप ग्रो करने में इंटरेस्टेड हो। सेकंड पॉइंट, अवॉइड जजमेंट। बहुत बार हम फीडबैक सुनते सुनते बीच में काट देते हैं और अपनी जजमेंट बना लेते हैं। कभी दूसरे के इंटेंशन पे डाउट कर देते हैं कि ये तो मुझसे जल रहा है इसलिए फीडबैक दे रहा है। कभी कोई बहाना मिल जाता है कि हाँ गलत है लेकिन उसके पीछे ये रीजन है, ये रीजन है, फटाफट बहानों पे आ जाते हैं। सो अपनी जजमेंट यूज करके फीडबैक से बचने के कारण ढूंढ लेते हैं। पर ये बात तो खुशी की है कि आपको फीडबैक मिल रहा है, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वर्थ नोटिसिंग है, कुछ ऐसा कर रहे हो जिस पे लोगों की नजर है कि आपको फीडबैक मिल रहा है। मुझे बहुत पसंद है अपनी वीडियोस पे फीडबैक लेना, मैं फीडबैक लेता रहता हूं और अपनी वीडियोस को इंप्रूव करता रहता हूं। मुझे तो खुशी होती है अगर मुझे फीडबैक मिल रहा है, दैट इज व्हाई मेरी वीडियोस की क्वालिटी, वीडियोस का स्टैंडर्ड हर बार इंप्रूव हो रहा है और मैं खुश हूं कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें मुझे लोग फीडबैक देते हैं। सो आगे से दूसरे के फीडबैक को बीच में काट के अपनी जजमेंट्स, अपने बहाने मत लाओ। पहले फीडबैक को पूरी तरह सुनो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे के नजरिए को समझो, दूसरे की इंटेंशन को समझो, आपको खुद से बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट, प्रोब इट। अगर आपको फीडबैक मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे, आप उससे अग्री नहीं कर पा रहे, आप उस फीडबैक को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप क्वेश्चंस पूछो, इंटरोगेट करो, एग्जांपल्स मांगो, ताकि आप उस फीडबैक को डाइजेस्ट कर सको, उस फीडबैक को समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको फीडबैक मिला कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन में ना दम नहीं था, मतलब ये ब्लू बैकग्राउंड ना तो बड़ी बेकार लग रही थी। सो इस पे रिएक्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ फाइट, तू बताएगा मुझे अपनी प्रेजेंटेशन, देख अपनी, फिर मैं बताता हूं तुझे, फ्लाइट, ओके थैंक यू, नहीं थैंक यू थैंक थैंक यू, या फ्रीज। सो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज करने से फायदा नहीं होगा, उससे बेटर है कि क्वेश्चन करो, इंटेरोगेट करो, आगे से पूछो। ओके, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि मैं इसको कैसे बेटर बना सकता हूं, और आपके हिसाब से इसमें कौन सी बैकग्राउंड होनी चाहिए, कौन सी बैकग्राउंड अच्छी लगेगी इसमें। फोर्थ पॉइंट, थैंक एंड अप्रिशिएट। जब भी कोई आपको फीडबैक देता है तो उसको थैंक जरूर करो, उसको अप्रिशिएट करो कि थैंक यू, तुमने मेरे सक्सेस के लिए, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए बोला। एक तो दूसरे को मैसेज आएगा कि आप सक्सेस ओरिएंटेड हो, आप सीखना चाहते हो, आप ग्रोथ के लिए सीरियस हो। दूसरा, वो अगली बार भी आपको फीडबैक देगा, आपके ग्रोथ के लिए और रीजंस मिलेंगे, आपको इंप्रूव करने के और कारण मिलेंगे, आपको सक्सेस की तरफ और फैक्टर्स मिलेंगे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, एक्शन। जब आपने फीडबैक ले लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसको समझ लिया, अब उस फीडबैक को एक्शन में कैसे लाना है, उसको यूज कैसे करना है, अपना फायदा कैसे लेना है। जब भी आपको फीडबैक मिले, यहाँ पे एक रफ एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक प्रेजेंटेशन दी, उस पे फीडबैक मिला। फीडबैक आपके बिहेवियर पे भी हो सकता है, फीडबैक आपकी बातचीत पे भी हो सकता है, आपके रिलेशंस पे भी हो सकता है। मैं यहाँ एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने अपने ऑफिस में या कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन दी, उस पे आपको फीडबैक मिला। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मैंने क्या सही किया, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया हो, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने राइट चीजें के लिए जो आपने सही किया, उसके लिए अपने आपको शाबाशी देनी जरूरी है। तो सबसे पहले ये देखो कि मैंने ठीक क्या क्या किया, उसको लिखो कि दीज वर द राइट थिंग्स, मेरी प्रेजेंटेशन में लोग कन्विंस थे, मेरी प्रेजेंटेशन में फ्लो अच्छा था, मेरी प्रेजेंटेशन में इमेजेस की यूज अच्छी थी, मेरी प्रेजेंटेशन में लोगों की रिटेंशन थी। फिर देखो इंप्रूवमेंट एरियाज, जो आपको फीडबैक मिला हो, मान लो आपको किसी ने बताया कि बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी, तो ये मेरा इंप्रूवमेंट एरिया कि मेरी बैकग्राउंड अच्छी थी, टेक्स्ट साइज अच्छा नहीं था, टेक्स्ट साइज को ठीक करना है, वो मेरा इंप्रूवमेंट एरिया है। उसके बाद क्वेश्चंस, अगर आपके फीडबैक को लेकर अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स बचे हो, क्लैरिटी ना हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मेंटर्स के साथ, फैमिली में या नॉन सर्कल में किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो, ताकि आप अपने फीडबैक को लेकर और क्लियर हो पाओ। एंड उसके बाद आइडियाज, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए जो फीडबैक मिला उसके ऊपर एक्ट करने के लिए क्या क्या आइडियाज है आपके पास, जो जो चीजें आपको ठीक करनी है उसके लिए क्या क्या आइडियाज आपके पास, उसके बाद देखो आइडियाज। सो जब आप फीडबैक पे एक्शन लेते हो तो आपके पास चार चीजें रेडी होनी चाहिए कि आपने क्या ठीक किया, आपको क्या क्या इंप्रूव करना है, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो लिखो, और साथ में कैसे एक्शन लेना है, क्या क्या आइडियाज है आपके पास। खुद सोचो, अगर हर फीडबैक को पॉजिटिवली लेना शुरू कर दें तो फीडबैक देने वाले चाहे वहीं के वहीं रह जाएं, लेकिन हम ग्रो करके कहां से कहां पहुंचते जाएंगे।
कितना कुछ सीख पाएंगे, कितना कुछ लर्न कर पाएंगे, कितना इंप्रूव कर पाएंगे, कितना सक्सेस की तरफ और आगे बढ़ पाएंगे। अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी ऑफिस लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के आगे, हर जगह हम एक एज रखेंगे, एक एक्सेलेंस नजर आएगी। संत कबीर जी की कुछ लाइन।